नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवाइल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग बेल्ट से उठनी शुरू हो गई आवाज। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले अहिरावल इलाके से उठी ऐसी मांग। रेवाड़ी के श्रीकृष्ण भवन में यादव कल्याण सभा ने प्रधान रामवीर यादव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर इस बेल्ट से सीएम पद पर ठोका दावा। साथ ही कह दिया साफ कि अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम के पद पर इस इलाके का है पूरा हक, क्योंकि इस इलाके की वजह से ही तीनों बार भाजपा को हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का मिला है मौका। अब 17 अक्टूबर को होगा हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर बुलाया था दिल्ली। यहां नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जहां देर रात तक हुई बैठक जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर हुई चर्चा। पानीपत जिले की समालखा विधानसभा से पूर्व कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौकर की ईडी को है तलाश। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ईडी की टीम समालखा से पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर के पहुंची थी आवास पर। चार गाड़ियों में छौकर के घर पहुंची थी ईडी की टीम, लेकिन इस दौरान धर्म सिंह छौकर अपने घर नहीं थे मौजूद। पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ के बाद करीब 2 घंटे बाद बैरंग वापस लौट गई ईडी की टीम। जिंद में इनेलो को लगा है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में जिंद से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र नाथ शर्मा ने छोड़ दी पार्टी। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विनीजी कारणों से इनेलो के सभी पदों से दे रहे हैं त्यागपत्र। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक कर नतीजों पर की चर्चा। पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने दी जानकारी कि बैठक में की गई विस्तृत चर्चा और आने वाले समय में होगी और बैठकें। इन बैठकों में लिए निर्णय को किया गया सार्वजनिक। साथ ही पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रकार का आता है सुझाव तो पार्टी उसका करेगी पालन। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को लगा हार का झटका। समाज सेवी बनकर फील्ड में पहचान बनाने के बाद चुनावी मैदान में उतरे कई नेताओं ने हार के बाद अब समाज सेवा ही कर दी है बंद। प्रदेश में ऐसे हैं कई नेता जिन्होंने इन सेवाओं के बदले में विधायक बनने की रखी थी चाह, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें नहीं चुना अपना विधायक। नायब सैनी के खिलाफ लाडवा में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भाजपा के बागी संदीप गर्ग ने हारते ही आम लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली बंद कर दी रसोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने दिया बयान कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को जानती है जनता हार को स्वीकार नहीं करना है इनकी पुरानी आदत और वह आपस में ही फोड़ते हैं सिर। इसी के साथ मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि निर्दलीय समेत 51 नव निर्वाचित विधायकों की शुभ संख्या के साथ भाजपा प्रदेश में बना रही है सरकार। कैथल में दशहरे के दिन हो गया एक बड़ा हादसा जब नियंत्रित होकर सिरसा ब्रांच नहर में गिर गई एक कार। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोगों की हो गई मौत। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब ग्रामीणों ने कार को नहर में गिरते देखा तो पहुंचे वे मौके पर। काफी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया बाहर। कार में सवार सभी लोगों को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत कर दिया घोषित। हरियाणा पंजाब सीमा बंद हुए 8 महीने पूरे होने पर भी जस की तस स्थिति। सीमा सील होने से अरबों रुपए का हुआ है नुकसान और लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दिल्ली जाने पर अड़े हैं किसान और हरियाणा सरकार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दिल्ली जाने की नहीं दे रही इजाजत। शंभू बॉर्डर बंद होने से बुरी तरह प्रभावित हो रहा अंबाला का कपड़ा उद्योग। हरियाणा में बदलाव की ओर है मौसम। बारिश न होने के बाद भी दिन के तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। 24 घंटे में सुबह के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री से अधिक की आई है गिरावट। इसके अलावा 7 जिले रहे ऐसे जहां 34 से कम रिकॉर्ड किया गया दिन का पारा। इनमें अंबाला, करनाल, भिवानी, गुरुग्राम, जिंद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत है शामिल। इसी के साथ सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस होना हो गई है शुरू। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवाइल लाइव।